सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। अंबाला लोकसभा की बात कराँ भाई, अंबाला लोकसभा में बहुत सी उठा पटक चल रही है। ताजे ताजे जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक कुमारी शैलजा आगे बढ़ने लग रही है और जित दी हुई नजर आवा है। उसमें के चीज जिम्मेवार हैं, के कुछ कारण है। सब तक बड़ा कारण बढ़िया, रतन लाल कटारिया को दोबारा टिकट मिली तो उसका विरोध होया और बहुत सी वीडियो ऑडियो वायरल हुई जिसकी वजह से कुमारी शैलजा ने फायदा मिला। जो उसके खुद के कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, जो वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। और इस टाइम जो मेरा पीछे था हम देखने लग रहे हो, बहुत से JJP BJP INLD के जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वे कुमारी शैलजा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इन तय पूछांगे भाई समर्थन क्यों दे रहे हैं, के बात है भीतर की बात पूछांगे। हमारे दर्शक ने इकट्ठे मिलकर राम राम कर दो, सारे तेजी तान दो, राम राम करो, हमारे दर्शक भी खुश हो जाएंगे, हमारे दर्शक का कम्युनिकेशन बढ़ा करो। हाँ जी, नाम? लाभ सिंह भूखड़ी, हल्का नारायणगढ़। अच्छा जी, इनका सारा टेंडर आपने ले लिया के? नहीं, टेंडर क्या जी, ये तो खुद ही इच्छुक थे। अच्छा, मैं भी पहले इन एलो से जुड़ा था बहुत पुराना। अच्छा, ये मेरे पुराने साथी थे, कुछ रहे थे। आज इनकी भावना आई कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट दे के और यहाँ से BJP को बाहर निकाले। और कौन कौन से वोटर सपोर्टर? हुसैनी गांव से हैं, एक्स सरपंच गुरमीत सिंह जी, अनिल सिंह जी, उनके साथी पूरे जो INLD और JJP के पुराने, बहुत पुराने रहे। हल्का कौन सा लगे? हल्का नारायणगढ़। अच्छा, तो नारायणगढ़ की मौजूदा स्थिति की अलग है आपने। चलो ये तो आगे, ये तो 20-30 होंगे और माहौल के 20-30 नहीं जी, हर रोज 50-50 100 आदमी हर रोज आ रहे हैं अपने आप ही जो समर्थन दे रहे बहन जी को। एक बार रिश्तेदारी पॉलिटिक्स भी चल रही है, रिश्तेदारी रिश्तेदारी की रिश्तेदारी ऐड की सपैड, इनके अगला रिश्तेदारी भी होंगी, रिश्तेदारी भी हैं, जान पहचान भी है जी। और मेन बात तो है कि BJP से सब दुखी हैं इस टाइम, हर वर्ग सब आके अपने आप ही बहन जी को समर्थन दे रहे अपना, और भारी से भारी संख्या में जताने की यहाँ से वो करे। क्यों दुखी हो BJP से, क्या दिक्कत होगी? बोला है मानस है रतन लाल कटारिया, क्या दिक्कत होगी? BJP तो दुखी है सभी। अच्छा, हाँ जी, BJP से दुखी है सब। तो खुश से देखो, तेरे पे तो खुशी है, एक्सेल जगह नहीं आने की खुशी है, सेल जगह नहीं आने। हाँ भाई, हाँ जी, जब BJP रो गया हम तुरंत नंद भाई। अच्छा, हाँ, अपना तो मन में लड्डू फूटा है, फूटेंगे भाई साहब, हम इतने तंग हैं बीजेपी का कुछ नहीं। मेरे पुल के ही पास खेत है। अच्छा, मेरे बेगना का पुल है वहाँ। हाँ, जगह देखो, पुल के पास खेत है, पिछली सरकार ने पुल बनाया हुआ, इस बार फिर टूट गया, पुराना बल के चलता ही है, वो फिर टूट गया। वहाँ मेरी ईब गेहूँ कटी है जी, 3 किलो गेहूँ कटे, वहाँ ईब कटी, पूछ अभी तक नहीं बनाया। अच्छा, वो तंगी नहीं, और क्या करेंगे? हाँ जी, BJP से सभी दुखी हैं जी। अच्छा, हाँ, सभी किसान ही दुखी हैं। गन्ने का देख लो, अब लग पेमेंट नहीं मिली है जी, जमींदार सारे परेशान कह रहे हैं। हाँ जी, बकाया रहे हैं, बकाया जी, मिल के पास बकाया 60 करोड़ के आसपास बकाया जी सारा। चलो जी, कुल मिलाकर बात यह है, ये भाई बात कह रहे हैं इवन की, देखो वही बात है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, भीतर कुछ बाहर कुछ भी हो सके है, कट कॉपी पेस्ट की राजनीति भी चल लगी। कुल मिलाकर नुकैस कहा, शैलजा को एक बोनस मिला है, JJP INLO और BJP के जो समर्थक हैं, आड़क कुमारी शैलजा को वोटर के तौर पर, सपोर्टर के तौर पर समर्थन देना रहे हैं। इसका फर्क क्या पड़ेगा वो 23 तारीख के जो नतीजे आएंगे डोल खुल के जी, बिरा पटेगा जी, भारी मतों से, भारी मतों से। अच्छा, नारायणगढ़ का सबसे टॉप रहेगा मेरे ख्याल से, पूरे अम्बाला लोकसभा क्षेत्र बड़ा मार्जिन से बहुत। अच्छा, ओवरऑल क्या होगा पूरा अम्बाला का उसका? 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से, 2 लाख वोट मिलेंगे, 2 लाख से जीत, 2 लाख से जीत होगी निश्चित, 2 लाख प्लस जीत होगी, 2 लाख से ऊपर। कॉन्फिडेंस तकड़ा है भाई, और सर्वे आए पाछा और बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, आज शाम तक और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, सातवें आसमान पर कॉन्फिडेंस। चलो एक बात तो कहूंगा मैं, कॉन्फिडेंस रखियो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। देखो, कॉन्फिडेंस ही मारे बहुत बड़ी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस टाइम जनता पूरी दुखी है BJP से, और INLO और JJP जो BJP के वर्कर सारे आज आपके सामने खड़े हैं। हर गांव से आए, कई गांव से, और ये आज की नहीं है, हर रोज ऐसे अपने आप ही आ रहे कुछ लोग, रोज चल रहा है सिलसिला। तू चल मैं आया बिल्कुल, चलो मेरे गा दी, तो जुड़ रहे थे, हर रोज जुड़ते जा रहे थे सुबह शाम, बड़ी जुड़ी तो रतन लाल पे रहने दियो। देखो उसकी तो मेरी बात सुनो, रतन लाल को तुम जो है वोट थोड़ी बहुत मोदी के नाम से मिल सका, बाकी नाम पाऊंगे, बाकी कोई वोट नहीं है। ये बात भी कह रही है, मोदी का नाम पाऊंगे जाऊंगे तो खुद की नहीं है, और कुछ लोग नू भी कह रहे हैं जब मोदी ने हटाया तो इन पर कुछ नहीं, इनका पल्ले है, यह बात सच्चाई है। 5 साल के अंदर रतनलाल कटारी जी किसी गांव में नहीं गए, और आपने अभी देखा होगा, हमारे बताने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, जिस गांव में भी जहां भी कटारिया साहब जा रहे वहीं इनका विरोध हो रहा। मानस तो नहीं करते विरोध, नहीं मारे क्यों करेंगे जी, वो तो पार्टियां करेंगे, उनके पास एक विरोध, हमारे पास तो कि हम इनको वोट की जोर से हराएंगे।
यू राजनीतिक विरोध है कि उसके काम में तंग आ गया विरोध है उसके कामों से तंग आ गया ज्यादा मतलब काम करे उन्हें काम करे नहीं अच्छा काम में नहीं करे उस तक जो करते फिर तो उनको भारी वोटों जताते हम काम करे है नहीं एक देखिए बीजेपी बाबा हमने ताड़ी बाजी नहीं है दोनों बातें हैं जी अब मोदी फैक्ट्री भी नहीं रहा क्यों नहीं रहा मोदी ने जो वादे किए थे चाहे वो किसान के लिए किए थे चाहे वो 15 लाख के किए थे कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया अब तक चलो भाई इलेक्शन है हाँ जी इलेक्शन तकड़ा है भाई और मैं बार बार कह रहा हूँ भाईचारा पहले हैं राजनीति बाद में मेरे गल्ले मिलकर बोलो सारे जय हरियाणा जय हरियाणा जय हरियाणा बहुत बहुत धन्यवाद मैं हूँ थारा देसी पत्रकार कर्मू।